आपने भी नाश्ता कर लिया? हेलो, कॉन्फ्रेंस कॉल अभी। अब स्वीटी मैं अभी आती हूँ, हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। ये इन दोनों को क्या हुआ है? एक को नींद आ रही है और एक काम में बिजी है। एनीवे मैं टकरा रही कि आप टकरा रही है? कुछ दिखा क्या? चलो अच्छा है, कम से कम ये तो पता चला कि उसका कमरा कौन सा है। तुम शर्लक होम्स हो, कमरा से क्या उसका पूरा हिस्ट्री मालूम कर लोगे? अरे बस क्या सासू मम्मी, आप क्या खाली दिखने में चाहते रहे क्या? वरना एक नंबर की एड़ी आप क्या? अरे कौन सा शर्लक, कौन सा होम? अपन होम में क्या, अपन होटल में। होटल में होम नहीं होता है, रूम होता है। रूम बोले तो मतलब मुझे रूम होता है। अभी रूम पता चलेगा तभी तो उसका कच्चा चिट्ठा मालूम चलेगा ना कि नहीं? पीछे व्हाटएवर, अगर उसके बारे में हमें सब कुछ पता करना है तो उसके कमरे के अंदर जाना पड़ेगा। कैसे करें? वही तो मसला है, कैसे करें? सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, रोशनी, यश जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं। खून, खून के बदले, कौन? नहीं। पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से?
नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।